खखरेरु थाना क्षेत्र के रायपुर गांव में सरकारी नलकूप पिछले 2 सालों से बंद पड़ा है। रामदीन निवासी रायपुर का कहना है कि नलकूप 2018 में रिबोर हुआ था, 2 साल हो गए हैं अभी तक ये चालू नहीं हुआ है, जिससे किसानों की को सिंचाई में परेशानी उठानी पड़ती है और ठेकेदार का भी कुछ पता नहीं है। इस नलकूप की बिजली समस्या संबंधित शिकायत नवनीत मिश्रा निवासी रायपुर के द्वारा मुख्यमंत्री जी के द्वारा संचालित शिकायत पोर्टल जनसुनवाई पर 4 जून 2018 को की गयी, जिसकी नियत तिथि 29 जून 2018 थी। आख्या में 5 जून 2018 को अधिशासी अभियंता खंड तृतीय खागा को आदेश दिया गया है कि आवश्यक जांच कर कार्रवाई करें, लेकिन अभी तक कोई जांच नहीं हुई। आप देख सकते हैं प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल के लिए धीरेन्द्र वाजपेयी जी की रिपोर्ट खागा से। 2016-18 यानी 2 साल हो गए हैं, तो क्या लाइन वाइन अभी तो दिख नहीं रही यहाँ पे? कुछ नहीं, कोई जानकारी है? ठेकेदार वगैरह कोई जानकारी नहीं है? कोई जानकारी नहीं। इसकी शिकायत आपने कहीं की है? अरे 3-4 दर्ज हुई है। कहाँ? ये एक सीएन हर जगह हो गई है, हर जगह विधायक जी के पास भी पहुंच गई। अच्छा, मतलब 2 साल हो गए अभी तक कोई सुनाई नहीं? कोई सुनाई नहीं। धन्यवाद।